हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको दुबई के बारे में। दोस्तों, दुबई के बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसके बारे में आज बताऊंगा। और ये बिल्डिंग्स साल या मंथली में कितना कमा लेते हैं, यानी कि पैसा अर्निंग कर लेते हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी के दोस्तों। तो दोस्तों, आते हैं दुबई म्यूजियम में। हाँ दोस्तों, यह है दुबई म्यूजियम, दुबई का फ्यूचरिस्टिक गैजेट होम इसे कहा जाता है दोस्तों। इसमें ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है, जो कि फ्यूचर में आने वाला जो गैजेट है ना दोस्तों, वो सब इसमें रखा गया है। एआई रोबोट से लेकर बहुत सारे टॉय वाले खिलौने, एआई बहुत सारी चीज़ इसमें रखा गया है। इसे 2020 में पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया था और इसे इंसानों के लिए खोल दिया गया था। इस इमारत को अंडा आकार का बनाया गया है। हाँ दोस्तों, एक जो होता है उस आकार के तरह इसको बनाया गया। कहा जाता है कि दुनिया में अब जितने भी गैजेट्स आएंगे ना, सबसे पहले इसमें रिव्यू होगा, तभी ये दुनिया में जाएगा। जितने भी गैजेट होगा ना, उस सारे गैजेट इसमें रिव्यू किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे ही सिस्टम्स और बहुत सारे मशीन को, ड्रोन्स को इसमें लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और भी बहुत सारे सामान को इसमें ऐड कर दिया है, फ्यूचरिस्टिक कार्स और भी बहुत सारे साइंस टेक्नोलॉजी जितने भी होते हैं ना, सब को इसमें ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है बच्चों के लिए। और सब कुछ सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप दुबई में अगर एक बार भी अगर जाए तो इस यहाँ पर जाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। तो आते हैं अब मेन पॉइंट पे दोस्तों, कि ये साल भर में या महीने में कितना कमा लेता है। दोस्तों, मैंने गूगल पे बहुत सारे खोज की, क्रोम ब्राउज़र पे, लेकिन इसका कोई भी ऐसा पता नहीं लगा कि ये साल या महीने में कितना कमाता है। अब आते हैं दुबई फ्रेम की तरफ दोस्तों। हाँ दोस्तों, दुबई फ्रेम को नया और पुराना का इतिहास देखकर बनाया गया है दोस्तों। अब आपको पता नहीं है दोस्तों कि ये नया और पुराना को देखकर कैसे बनाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इस फ्रेम पर अगर आप जाएंगे ना, तो आपको एक तरफ जो पुराना वाला दुबई था वो दिखेगा, और जो दूसरी तरफ दिखेगा ना, जो कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, जो कि बहुत सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो आपको दूसरी तरफ से दिखेगा। इसको ध्यान में रखकर ही इस फ्रेम को बनाया गया है, जो कि बहुत ही लग्जीरियस और सोने की परत से भी बहुत सारे डिजाइनों से इसको बनाया गया है। इसमें वास्तुकला और भी बहुत सारी कलाओं का यूज कर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जो कि दुबई में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम भी इसको माना जाता है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर हासिल कर लिया है दोस्तों। मैंने गूगल और भी बहुत सारे वेबसाइट पे सर्च किया दोस्तों, कि इसका नेटवर्थ क्या है दोस्तों, लेकिन कुछ पता नहीं चला दोस्तों। लेकिन एक वेबसाइट से मैंने पता किया कि 5,339 जो होता है ना, इसका नेटवर्थ है दोस्तों, जो कि महीने का या एक हफ्ते का है दोस्तों, कुछ खास पता नहीं चला दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते हैं दुबई के पाम, जो मेरा आइलैंड के तो अटलांटिक्स पाम है दोस्तों। दुबई के हथेली के सिर पर गर्व से खड़ा किया गया जुवेर अटलांटिक्स का पाम दुबई के सबसे लोकप्रिय 5-स्टार होटलों में से एक है दोस्तों। इसे सितंबर 2008 में खोला गया था। इसे 1,539 गेस्ट हाउस, यानी कि इसमें 1,539 कमरे बनाए गए हैं, जो कि मेहमानों को ठहराने के लिए इसमें बनाया गया है। और भी बहुत सारे लग्जरियस रूम और कमरे इसमें बनाए गए हैं, जो कि पाम जुमेरा आइलैंड का शान है दोस्तों। पाम जुमेरा आइलैंड पर अगर आप चाहे अगर इसमें ना घूमें तो फ़ायदा नहीं है दुबई आने का आपका दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स को भी ऐड किए गए, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और भी लाइटनिंग इफेक्ट इसमें आपको दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कि ये बिल्डिंग का नेटवर्थ जो है कि वो कितना है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि $1.5 बिलियन, जो कि इसका एक बार का रिकवर्ड नेटवर्थ है दोस्तों, जो कि ये एक। तो अब आते हैं दोस्तों दुबई की शान और शौकत को देखकर, जो सबके फेवरेट होटल में से एक है दोस्तों, जो दुनिया का सबसे बेस्ट होटलों में से एक है। हाँ दोस्तों, अब आते हैं बुर्ज अल अरब की बात करते हैं दोस्तों। बचपन में मैं जब इसको देखता था ना दोस्तों, तो ऐसा लगता कि उल्टा नाव जो है कि नहीं खड़ा कर इसको रख दिया है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सॉरी, मैंने ऐसे ही बोल दिया दोस्तों आपको हंसाने के। तो दोस्तों, इसकी बात क्या है आपको पता है, कि ये दुनिया का सबसे 7-स्टार होटल है, जो सबको पता है दोस्तों।
जो कि एक दिन का आपको इसमें रहने का ना 24,000 तक देना पड़ सकता है, या उससे ज़्यादा भी आप लग्जीरियस रूम में अगर लेंगे रूम तो उससे ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है। इसमें जाता ही आपको बहुत सारी सुविधा दी जाती है। रोल्स रॉयल कार आपको जो है एयरपोर्ट पर लेने को आता है, सोने से बने गिलास और भी बहुत सारे रूम भी जो कि सोने से इसमें बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी नेटवर्थ कितनी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसकी नेटवर्थ है $1 बिलियन, जो माना जाता है दोस्तों कि इसकी जो नेटवर्थ है ना जो $1 बिलियन है, जो कि अभी तक इसने अर्निंग किया है, अभी तक तो नहीं महीने में या साल में अर्निंग कर लेता है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब बात करने जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आपको मुझे बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुर्ज खलीफा एक ऐसा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाला एक लौता ऐसा बिल्डिंग है दोस्तों, जो कि आप सबको तो पता ही होगा दोस्तों, जो कि बहुत सारे इंसानों को पता है दोस्तों। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा दोस्तों, इसकी बस एक क्या बताऊँगा कि इसकी जो नेटवर्थ है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसकी नेटवर्थ की बात करें तो $1.5 बिलियन इसका नेटवर्थ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, $1.5 मिलियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।